जाति और जमाती में कुछ सुधार न करने के लिए 108 का कायदा 17 जमातियों के सर्वेक्षण के ऊपर और 183 फोर्ट जमाती को ध्यान में रखते हुए वो संशोधन किया गया और क्षेत्र बंधन पूरे भारत से हटा दिया गया जो 1956 में लगा था, जिसमें 183 फोर्ट जमाती का समावेश हो चुका था। 1980 में TRTR ये एक असंवैधानिक तरीके से जात पड़ताल के लिए महाराष्ट्र सरकार ने इसको क्रिएट किया, अनुसूचित जमाति संशोधन संस्थान पुणे, जिसका नाम है TRTI। TRTI को भी दिल्ली के सांसद से मान्यता नहीं है, ये 1980 की बात हम कह रहे हैं। इस TRTI के माध्यम से 12 जमाती के जो कर्मचारी हैं, इन लोगों ने पूरी जुडिशियल सिस्टम को और जात पड़ताल समिति में अपना वर्चस्व कायम करके 33 जमातियों को झूठा साबित करार दिया है, मतलब जात पड़ताल समिति इनवैलिड कर दी गई है उनकी। और जैसा कि अभी हमने कहा था कि 76 में 183 पोर्ट जमाती थी, तो ये 33 जमाती के जो लोग हैं वो 183 पोर्ट जमाती उनमें इन्वॉल्व है। टोटल संसद ने 45 जनजातियों को यस्ती के प्रवर्ग में डाला गया है और जिनको मूलतः संसद से आरक्षण प्राप्त है, जिसको हम रिजर्वेशन कहते हैं, जो बाबा साहब की देन है, उनमें से 33 जमातियों पर केवल अत्याचार हो रहा है और 12 पे वो लोग राज कर रहे हैं। उसके बाद में 1985 को एक सहपत्र निकाला गया, वो सहपत्र आदिवासियों की यादी में कौन कौन लोग शामिल होंगे और से नए सिरे से उसकी वो यादी थी। इसमें सबसे बड़ा घोटाला ये हुआ कि अनुसूचित जाति, जिसको हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, इन जातियों को भी यस्ती अनुसूचित जमाति, जिनमें 45 जमातियां है और 183 पोर्ट जमातियां है, तो यस्सी समुदाय को भी यस्टी समुदाय में शामिल कर दिया गया। ये 1985 में ये घटना महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दोहराया और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको प्रस्तावित किया। 1985 और 86 में एक अहवाल सादर हुआ, दाजीबा पर्वत पाटिल शेतकरी के नेते थे और भाई बंदरकर मच्छीमार नेता थे, जो RR पाटिल के मतदार संघ के थे। इन्होंने इस अहवाल में ये बताया गया कि जो जात पड़ताल समिति है, कृपया करके वो उन्हीं लोगों की जात पड़ताल करे जिनके खिलाफ कभी कोई किधर कोई ऑफिस में अगर किसी ने कंप्लेन किया हो तो, और वो जात पड़ताल केवल और केवल वही विभाग से करे जिस विभाग से वो कास्ट सर्टिफिकेट हम सबको प्राप्त हुई है, जिसका नाम है महसूल विभाग। ये प्रस्ताव पारित हुआ 1986 में। साथियों, 1986 में जब प्रस्ताव पारित होता है कि आपको अगर जात पड़ताल करना ही है, वो भी किसी के कंप्लेन के ऊपर, तो कंप्लेन का बेस ध्यान में रखकर आपको इश्यूइंग अथॉरिटी के पास जाके उसको वेरीफाई करने का है। ये GR 86 में निकला है। उसके बाद में 93 में गोवारी हत्याकांड हुआ, तभी तथागतित हमारे शरद पवार जी मुख्यमंत्री थे, 120 लोगों की जाने चले गई उन आदिवासियों की, तो वहां पे वो लोग यस्टी कैटेगरी में अपने आप को लाने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए उनका वो आंदोलन था, मगर उस आंदोलन को अस्वीकार किया गया और वहाँ पे फायरिंग हुई और फायरिंग में चेंगरा चेंगरी में 120 गोवारियों की
हत्या हो गई, और इसी को ध्यान में रखते हुए बाद में उन लोगों को एसटी में डालने का प्रावधान स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने किया, मतलब उनको एसटी का दर्जा दे दिया गया। उसके बाद में 95 आया, 95 में शिवसेना की सरकार आई, और शिवसेना की सरकार में एक और बात मैं 93 की कह रहा हूँ, तभी पीचड़, मधुकर जी पीचड़ और शरद पवार के समक्ष में उन्होंने ऐसा कहा, गोवारी हत्याकांड के पहले की बात बता रहा हूँ, उन्होंने ऐसा कहा कि सपोज अगर किसी का जात प्रमाण पत्र अवैध हो जाता है तो उस व्यक्ति को नौकरी से तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, ऐसा उन्होंने 93 में जीआर निकाला, 93 की बात कर रहा हूँ। मतलब सरकार अपने आप को लिए हुए निर्णय पे सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर का दर्जा दे रही है, ऐसा मुझे कहना है। हम यहाँ पे लोकतंत्र में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी अपीलेट स्टेज, फर्स्ट अपीलेट, सेकंड अपीलेट, थर्ड अपीलेट, फोर्थ अपीलेट, फिफ्थ अपीलेट, सेवंथ अपीलेट और उसके बाद में राष्ट्रपति महोदय, इतने सारे अपीलेट स्टेज किसी को भी न्याय देने के लिए परिपूर्ण है, मगर महाराष्ट्र सरकार ने मधुकर राव पिचड़ और शरद पवार के समक्ष में इन्होंने 93 में ये जीआर निकाल दिया कि अगर किसी की जात वैधता प्रमाण पत्र अवैध हो जाती है तो उसको तुरंत नौकरी से बर्खास्त किया जाए। 95 में जब शिवसेना की सरकार आई, वहाँ पे गोपीनाथ मुंडे उप मुख्यमंत्री थे और गोविंद राव चौधरी ये आदिवासी मंत्री थे, इन्होंने ये ऐलान किया कि नहीं नहीं, ये आदिवासी हमारे भारत वर्ष के और महाराष्ट्र वर्ष के आए तो इनको एक प्रोटेक्शन का कायदा देके 15 जून 1995 में सेवा संरक्षण देने का काम महाराष्ट्र सरकार ने किया। मतलब जो नौकरी पे है वो एज इट इज रहेगा, उसको नौकरी से बर्खास्त नहीं कर दिया जाएगा। ये 15 जून 1995 को डिसाइडेड हुआ। और वहाँ पे ये भी एक दूसरी प्रोविजन दी गई कि सपोज किसी एसटी कैटेगरी का जात सर्टिफिकेट अगर अवैध हो जाता है तो, या फिर अगर किसी को एसटी जात प्रमाण पत्र साबित नहीं करना है तो ऑप्शन दिया गया कि आप सभी कर्मचारी अपना कास्ट कन्वर्ट करके एसबीसी में शामिल हो सकते हैं और अपना सेवा को संरक्षण दे सकते हैं। तो ये चीज हुई है। और उसके बाद में 2001 का कायदा आया। बस मैं यहाँ पे रुकना चाहूँगा कि जो डिटेल मैंने बताई वो मूलभूत तथाकथित नहीं है, वो हिंदुस्तान में महाराष्ट्र के आदिवासियों पर किस प्रकार से अत्याचार हुआ उसका पूरा पूरा एक लेखा जोख है। मैं चाहता हूँ कि इस चीज को आप गंभीरता से समझे, क्योंकि ये पत्रकार परिषद आपरो थाने के माध्यम से तीसरी बार आप सबके सामने ली जा रही है, तो आपके लिए ये भले ही कोई नया सब्जेक्ट हो लेकिन इसकी पूरी जो मूलभूत कहानी है वो आप सभी को अच्छे से परिचित है। यहाँ पे मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ और अगली कार्रवाई हमारे सचिव जी, हमारे उपाध्यक्ष जी, मी काही असं फार मोठा लीडर नाही आहे, मी सुद्धा माझ्यावर जे जो अत्याचार झालेला आहे ते मी इथे कथन करतोय आणि जे काही सांगते तुम्हाला ते रियालिटी आहे, त्याचं मी तुम्हाला इथे प्रूफ सुद्धा देणार आहे। जात पडताळणी समितीला जात तपासणीचा अधिकारच होऊ शकत नाही, माझे कारण आहे त्यांना अधिकारच नाहीये। मला एवढं म्हणायचंय कुठल्याही मानववंश शास्त्राचा अभ्यास समितीला नाही आणि अधिकार राज्य शासनाने बंद करावा, कारण खऱ्या आदिवासींची पूर्तता यातून कत्तल होत आहे, आदिवासींची जीवन आता संपुष्टात येत आहे। हा मला एक पहिला मुद्दा महत्त्वाचा आहे। दुसरा, घटनेत 45 जमाती अनुसूचित जमातीतील प्रवर्गात ठेवलेले असताना फक्त 12 जमातीला जातीचे वैधता प्रमाणपत्र देण्यात येत असल्याने राजकीय लाभ त्या जमातीतील लोकांनाच मिळत आहे आणि 33 जमातीवर पूर्ण अन्याय होत आहे। ह्या 33 जमातीवरचा अन्याय दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने
जात पडताळणी समिती बंद करावी अशी आपरोची मागणी आहे आणि ती शासनाला मान्य करावी लागेल। जात पडताळणी समितीकडून कर्मचाऱ्यास सुनावणी करता बोलवलं जातं, त्यावेळेस त्या समितीत त्या जातीचा अधिकारी असायला पाहिजे ना, पण त्या जातीचा अधिकारी त्या समितीत नसतो हे नोट डाऊन करा। आणि त्याविषयी काही माहिती दिली असल्यास ती माहिती बरोबर आहे किंवा खोटी आहे याची शहनिशा होईल, परंतु तसे होत नाही त्या कमिटीत। दक्षता पथक ज्यावेळी त्यांच्या गावी जाऊन चौकशी करते त्यावेळी त्या कर्मचाऱ्याला सुद्धा साधं सांगितलं जात नाही, ही शोकांतिका आहे। दक्षता पथक कर्मचाऱ्याला अवगत सुद्धा करत नाही आणि हे सुद्धा चुकीच्या पद्धतीने अहवाल कुठील कमिटीला सादर केला जातो याचे सांगा असे वाटते की जात पडताळणी समितीकडे उपलब्ध असलेले चालीरीती कागदपत्र मागविल्यास समिती कागदपत्र कर्मचाऱ्यास उपलब्ध करून देत नाही, केवळ तुमची चालीरीती जुळून येत नाही हा शेरा घेऊन जात पडताळणी अवैध केली जाते, हा कुठला न्याय आहे? या समिती या बरखास्त कराव्या ही आमची ठोस आक्रोशी मागणी आहे। प्रत्येक स्कूटी कमिटीने असं ठरवलेलंच आहे की आदिवासींची जी काही जात पडताळणी होणार त्याला अवैधच करा तुम्ही, हे मी इथे ठासू सांगतो आणि हा प्रकरण तुम्ही घ्या। आजपर्यंत जे जे काही इन्व्हॅलिड झालेले आहेत हे ह्याच कारणामुळे झालेलं, आमच्याकडे सगळे डॉक्युमेंट असताना परस्पर ते लोक आम्हाला अवैध ठरवतात, आम्ही त्यांना विचारतो की आमचे चालीरीती जुळून येत नाही तर तुमच्याकडे काय कागदपत्र आहे त्यांनी द्यावं, पण स्कूटी कमिटी देत नाही हे जाणून बुजून करते हे अनुसूचित जमातीवरील कर्मचाऱ्यांवरती असा अत्याचार होत आहे, म्हणून आज ही आमच्यावर ही वेळ आलेली आहे। पण कर्मचाऱ्यांना शासनाला सुद्धा हे कळायचं आहे, शासनाचे हे प्रधान सचिवांनी आदिवासी प्रधान सचिवांनी काढलेला आदेश आहे, कार्यालयीन आदेश, हे मी बोलत नाही, हे तुमच्याकडे कागदपत्र दिलेले आहे याच्यावर तुम्ही पडताळणी करू शकता। सुरुवातीलाच विनंती करतो की आता आपण आम्ही जे 15 दिवस या ठिकाणी साखळी उपोषण करतोय आणि या साखळी उपोषणाचे आपण जवळपास साक्षीदार आहात असं मला वाटतं, कारण आम्ही आपल्याला सातत्याने भेटत आलेले आहोत। याचं गांभीर्य काय आहे हे गांभीर्य आमच्या बोलण्यामधून आमच्या वक्तृत्वामधून लक्षामध्ये आलेलं असावं अशी माझी अपेक्षा आहे, पण तरीही मी याच्यावर काही थोडं भाष्य अशासाठी करेन की शासनाने ज्या वेळेला अधिसंख्य पदाची निर्मिती केली असे शासन निर्णय ज्या वेळेला काढले त्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करताना, हा विशेष मुद्दा आहे, अंमलबजावणी करताना ज्या शासकीय कार्यालयामध्ये ज्याच्यावरती अत्याचार झालेला आहे त्या व्यक्तीच्या बाबतीमध्ये त्या शासकीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी सुद्धा नीट विचार न करता केवळ त्या जातीचा आहे त्याच्या जातीचा उल्लेख आहे त्यांनी कोणते फायदे घेतले कोणते फायदे नाही घेतले ह्याचा कोणताही विचार न करता ज्याने जात जरी शेड्यूल ट्राईबमधली जरी असली तरी तो ओपनमध्ये लागलेला आहे आणि ओपनमध्ये लागलेला असून त्यांनी कुठलेही अनुसूचित जमातीचे फायदे घेतलेले नाहीत अशा लोकांना सुद्धा त्या ऑफिसने अधिसंख्येची ऑर्डर दिलेली आहे आणि त्याचा काही संबंध पण नाही ज्याच्याला आहे हा झळ पोचायला पण नको असा कर्मचारी सफल झालेला आहे। कारण नसताना शासनाने काढलेल्या जी आरच्या अनुषंगाने आपल्या ऑफिसमधील जे कोणी अल्पसंतुष्ट जे कर्मचारी आहेत त्यांच्या माध्यमातून सुद्धा अशा कर्मचाऱ्यांवरती मुद्दाम काही ना काही खोडसाळपणे कार्यवाही केली जाते आणि ती खोडसाळपणे केलेली कार्यवाही त्या कर्मचाऱ्याला आयुष्यभरासाठीही त्रासदायक होऊ शकते हे पत्रकार बांधवांनी शासन दरबारी अफ्रोच्या माध्यमातून आम्ही मांडतोय, पण तुम्ही सुद्धा आमच्या माध्यमातून शासन दरबारी हे पोहोचवा असं आम्हाला आवर्जून सांगायचं, कारण आमच्यावरती कोणत्या कोणत्या बाजूने अन्याय होतो हे सांगायला गेलं तर परिस्थिती आटोक्यात येणार नाही एवढा भयंकर प्रकार आहे। आज वस्तुस्थिती आहे, आमचा आजचा 15वा दिवस आहे या ठिकाणी साखळी उपोषण करतोय, पण 15 दिवसांमध्ये दक्षता दखल कोणीही घेतलेली नाही, निव्वळ बोलावलेलं आहे आम्ही जाऊन आलो त्यांनी काय ते सांगितलं आम्ही ऐकलं, पण निर्णय काय
म्हणून हा निर्णय होण्यासाठी आता आम्ही अक्षरशः नक्कीच एल्गार पुकारलेला आहे की या ठिकाणी आम्ही आता रोज चार व्यक्ती उपोषणाला बसतोय पण इथून पुढे जर मायबाप शासनाने मायबाप असल्याचे म्हणतो व एखादी निर्दयी आई असेल ना एखादी निर्दयी आई असेल तर तिला सुद्धा पाना फुटतो पण हे मायबाप शासनाला जराही काही वाटत नाही याच्याबद्दल खरोखर खेद व्यक्त करावा असं वाटतं कारण आज ही परिस्थिती आलेली असताना सुद्धा जर आपल्याला इथे निवाडा मिळत नसेल तर ह्या शासनाच्या माध्यमातून हे ह्या शासनाच्या म्हणून ह्या सापळी उपोषणाचं जो काही परिणाम होतोय जो काही परिणाम पुढे होईल आणि ह्या परिणामाची जाणीव शासनाला करून द्यावी अन्यथा शासनाने जर याच्यावरती काहीही भाष्य केलं नाही तर आम्ही इथून पुढे आमच्या आता आम्ही चार सदस्य बसतोय आजपासून आम्ही महिला आघाडी उभी केलेली आहे आज प्रत्यक्ष महिला त्या ठिकाणी उपोषणा बसणार आहेत पण उद्यापासून त्या ठिकाणी आमचं कुटुंब येऊन बसेल हे शासनाला कळवा से आश्वासन इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि वहाँ पर हमारे समुदाय के लोग मंत्रीगण में नहीं हैं वहाँ पे केवल 12 समुदाय जो 45 समुदाय है जो एसटी कैटेगरी में आ रहे हैं उनमें से 12 समुदाय के लोग ही मंत्रीगण में शामिल है और वो नहीं चाहते कि 33 जमातियों को भी न्याय मिले अगर न्याय मिल जाएगा तो उसका परिणाम उनको ही भुगतना पड़ेगा शायद ये उनको डर है क्योंकि अगर हमें वैलिडिटी मिल जाती है तो हमारे आदमी लोग नेता कॉरपोरेशन के लिए खड़ा हो जाएगा एमएलए के लिए खड़ा हो जाएगा अपना खासदारकी के लिए खड़ा हो जाएगा तो शायद उनको कॉम्पीट करना पड़ेगा हमारे समुदाय के साथ ये चीज़ उनसे ये उनको डर है मगर हम तो यही कह रहे हैं कि जो पिछले 40 साल से इस झंझट में नहीं रहा आप क्यों इस प्रकार से सोच लेके संकुचित विचारधारा से चल रहे हैं 33 जमातियों को न्याय दीजिए और जो आपने TRPI प्रस्तावित किया है जिनको कौड़ी का नॉलेज नहीं है जात पड़ताल नहीं जांचने का कृपया करके उनको बर्खास्त कीजिए और हमको ओरिजिनल अपने बेस पे लाके खड़ा कीजिए पिछले 15 दिनों से आप लोगों को न्याय नहीं मिला आप लोगों का अगला स्टेप क्या रहेगा पिछले 15 दिनों से आपके माध्यम से जो सरकार तक बातें चल रही है जो उनको पता चल रहा है ये आप ही की देन है कि अफरोहा पिछले 15 दिन से अपना सोशल मीडिया में छाया हुआ है मगर धीरे धीरे वो अभी इनका कॉग्निजेंस और परिणाम स्वरूप देखने लगे हैं हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी उद्धव ठाकरे की पूरा मंत्रीगण हमें आमंत्रित करेगा और ये जो पेंशनर लोगों की डिमांड है इसको वो पूरी तरह से न्याय करेंगे और लोकतंत्र की बात को ध्यान में रख के हिसाब किया जाएगा न्याय किया जाएगा अफरों की तरफ से अभी एक चेतावनी दी गई है कि हम अपने पूरे परिवार समेत ही अनशन पर बैठेंगे हाँ सर जी इसमें ऐसा है कि आज अफरोहा साखड़ी उपोषण पे बैठ रहा है अगर हमारे 8-10 दिन में 15 दिन में अगर ये कार्यक्रम को अंजाम नहीं दिया सरकार ने तो ये फैमिली प्रोग्राम उपोषण के लिए आरंभ हो जाएगा मतलब हर आदमी जो पीड़ित है जिसको पेंशन नहीं मिला है वो अपनी बीवी बच्चे के साथ इस उपोषण पे अपना योगदान देगा और ये पूरे महाराष्ट्र भर के लोग यहाँ पे आएंगे मैडम अप्रोचा सचिव हे आमचं सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचं मागील 21 महिन्यापासून त्यांना निवृत्ती पेन्शन ग्रॅज्युटी हे मिळालेलं नाही आहे त्याच्यामुळे हे उपोषण सुरू झालेलं आहे आणि लवकरात लवकर त्यांना हे सगळं मिळावं त्यासाठी हे आज पत्रकार परिषदसुद्धा आम्ही घेण्यात आलेली आहे त्या जवळजवळ आमचे हे सेवानिवृत्त झालेले आणि याच्यातून काही लोक मयत झालेले आहेत हे जवळजवळ 250 ते 350 लोक कर्मचारी आहेत संपूर्ण महाराष्ट्रातून